आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज यूरोन नेटवर्क, देश दुनिया की खास खबरें। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। कोरोना से होने वाली मौतों पर मुआवजे को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि अगर सभी पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है तो SDRF का सारा पैसा उधर ही खर्च हो जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कोविड से होने वाली मौतों पर 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें आपदा की वजह से होने वाली मौतों पर 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि ये नियम भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू होता है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है, अगर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है तो इससे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड SDRF का सारा पैसा इसी पर खर्च हो जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर सारा पैसा खर्च हो जाता है तो फिर COVID-19 और तूफान और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए SDRF के पास फंड की कमी हो जाएगी। सरकार की ओर से दलील दी गई है कि महामारी के इस दौर में सरकार को खुद पैसे की जरूरत है।